फ्रेंड, सभी को राम राम। वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूं, जिसमें मैंने की शेयर किए हैं छोटे छोटे टिप्स एंड हैक्स, इसे आप यूज करके अपने डेली के कामों को बेहद आसान बना सकते हो। खास बात तो ये है, ना तो एक रुपया लगता है और आपकी जो पुरानी चीजें होती है वो भी यूज में आ जाती है। तो आज मैंने झाड़ू में बेलन किस लिए यूज किया है वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि किस चीज में यूज होता है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि ये वाली टिप्स उन तक भी पहुंचे और वो लोग भी इस टिप को यूज कर पाए। तो चलते हैं देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं हमारी इस तरह के लहसुन को लेकर। लहसुन तो हमारे सब्जी खाने में यूज होता है, बहुत सारी यूज में आता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें मान लिया एक दो लहसुन हमें कद्दूकस करना है या फिर हमें इसका जूस निकालना है या फिर बहुत सारी चीजों में हमारे लहसुन काम आता है, लेकिन फिर क्या होता है कि हम एक दो लहसुन ना ऐसे हम कैसे ना तो मिक्सी में कर सकते हैं और ना तो इस तरह के ग्रेटर में करते हैं, तो हमारे ग्रेटर भर का ही लहसुन होता है। तो किस तरह से आप करेंगे कि हमारे इस वाले ग्रेटर के अंदर भी लहसुन ना लगे, क्योंकि इसके अंदर जब लहसुन घुस जाता है तो निकालना भी बिल्कुल मुश्किल होता है और इसमें हम अदर चीजें जब करते हैं ना तो इसमें काफी लहसुन की स्मेल आने लगती है। तो मैं बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगी जिससे आपके ना तो ग्रेटर में लहसुन लगेगा और ना ही किसी चीज एक दो लहसुन आपको मिक्सी में कद्दूकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं बताऊंगी आपको किस तरह से आप करोगे कि आपका लहसुन भी घिस जाएगा एक दो और आराम से आपके ग्रेटर में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप लोग को चाहे इस तरह के आपके पास ग्रेटर हो चाहे ये वाला हो तो आप दोनों चीजों में यूज कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, सबके घर में ऐसे पॉलोथीन आती है सबके सब्जी वगैरह लाने के लिए और बहुत सारे लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन हम बहुत सारे कामों में यूज कर सकते हैं। देखिए हमने ग्रेटर को ना इसके अंदर डाल दिया है, अब इसके ऊपर जब पन्नी लग जाएगी ना तो देखिए कितने आसानी से हमारा लहसुन जो है अच्छे से कद्दूकस हो जाएगा और बिल्कुल भी ना तो हमारे हाथों में लगेगा और ना ही लहसुन का जो महक होगी वो हमारे कद्दूकस लगा लिया है। अब इसके ऊपर से जब कद्दूकस करोगे ना तो बहुत आराम से आपके लहसुन जो होंगे ना कद्दूकस हो जाते हैं और बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से हो जाता है, बहुत ही आराम से हो जाएगा और आपके ना तो हाथ में कद्दूकस लगेगा और ना ही लहसुन आपके कद्दूकस में लगेगा। देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है, आराम से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लहसुन भी आपका अंदर नहीं जाएगा, आराम से इसी के ऊपर कद्दूकस हो जाएगा। तो देखिए कितने आराम से हो गया है और ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छी टिप्स, आपका कद्दूकस भी साफ का साफ बना रहेगा और आपके लहसुन भी कद्दू, क्योंकि लहसुन ऐसी चीज है कि अगर कहीं भी लग जाती है ना तो बहुत स्मेल आती है। तो देखिए हमने दो लहसुन आपको कद्दूकस करके दिखाया, ना तो हमारी पॉलोथीन बिल्कुल भी फटी है और ना ही हमारे इसके अंदर लहसुन लगा है, ना। बहुत ही अच्छी टिप्स। तो आपको एक दो लहसुन जब कभी भी कद्दूकस करना हो तो आप ये वाले टिप्स यूज करके कद्दूकस कर सकते हैं। आई होप आप लोग को भी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चलते हैं अगला टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड। अगली टिप्स आती है इस तरह के छाते को लेकर। ठंडी में, बरसात में, गर्मी में, सब मौसम में आप लोग छाते यूज करते होंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारे बच्चे या फिर हमसे ही कभी कभी हमारे ये लॉक छाते के ना टूट जाते हैं, जिससे हमें इसको बंद करने में बहुत परेशानी होती है और हम इधर उधर रख देते हैं तो हमारे छाते ऐसे खुल के फैल जाते हैं और इतना परेशानी होती है कि पूछो मत। तो फिर हम इसमें क्या ऐसा टिप यूज करेंगे कि हमारे छाते भी एकदम से लॉक हो जाएं, बिल्कुल भी इधर उधर फैले नहीं, तो आपका आराम से हो जाएगा, ना तो एक रुपया खर्च होगा, आराम से आपका ये छाता ना एकदम से लॉक हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें एक छोटा सा काम कर लेना है जिससे आपका छाता एकदम से लॉक हो जाएगा, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो आप लोग को क्या करना, देखिए हम सारी लेडीजें ऐसे चूड़ियां वेयर करती हैं जो मेटल की होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं और बहुत सारी चूड़ियां हमारी पुरानी हो जाती है, वेस्ट हो जाते हैं, जिसे हम नहीं पहनते। तो ये बस क्यों ना हम इसको और कामों में यूज कर लें। तो आप लोगों को क्या करना है, छोटी बड़ी बहुत सारी साइज की चूड़ियां आती हैं, जिसको जो साइज लगता है तो आप अपने अम्ब्रेला के हिसाब से चूड़ी ले लीजिए, मोटी पतली जो कोई भी, बस आपको कांच की चूड़ियां नहीं लेनी है, प्लास्टिक की या तो मेटल की लेनी है। तो देखिए बस आपको क्या करना है, इसके अंदर अपनी चूड़ियां डाल दीजिए, अच्छे से आपका छाता लॉक हो जाएगा, जहां कहीं भी रखोगे बिल्कुल भी खुलेगा नहीं आराम से, ना तो ये टूटने वाली चीजें हैं और ना तो ये कहीं फैल के जाने वाले, क्योंकि अगर हम मान लिया इसमें रबड़ लगा देते हैं तो उसको रबड़ लगाने में प्रॉब्लम होती है या फिर कोई डोरी वगैरह बांधते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। बस चूड़ी क्या है, आराम से इसके अंदर डाल दिया और आराम से निकाल लिया, आराम से हो जाता है और बहुत ही अच्छे से हो जाता है, एक रुपया भी नहीं खर्च होता है। तो है ना बहुत ही अच्छी टिप्स, आई होप आप लोग को भी पसंद आई होगी। तो आप लोग भी अपने घर में यूज करके देखना, वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलते हैं अपनी अगली टिप्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड अगली टिप्स आती है इस तरह के खाली पड़े बोतलों को लेकर। खाली पड़े बोतलें सब लोग या तो कबाड़ में दे देते हैं या तो फिर इधर उधर इसको फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इसको बहुत ही अच्छी चीजों में यूज करने वाले हैं जिससे हमारी ये खराब बोतलें यूज भी हो जाएंगी और इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो हम कबाड़ से अपना
घर के कामों में यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वो वेस्ट समझ के उसको फेंक देते हैं। तो आज हम इसका क्या करेंगे, देखिए इस बोतल को हम पहले कट करेंगे। तो हमने क्या किया है, ये देखिए हमने एक टुकड़ा काट के रख लिया था पहले से, और बीच वाले हिस्से को काटना है आपको कि ऐसे दोनों साइड से ऐसे निकला है, आप आगे से काट देना है और इस साइड से काट देना है, सिर्फ आपको बीच वाला हिस्सा लेना है, जिससे आपका काम ना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले से काट रखा था, जिससे क्या है अब इसको मैंने इसे ऐसे काट लिया था, उसके बाद मैं इसको बीच से काटूंगी। आप चाकू गर्म करके काटोगे ना तो आराम से आपका कट जाएगा और बिल्कुल भी आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं इसको हम किस चीज में यूज करेंगे, जिससे हमारा काम भी हो जाए और हमारी ये बोतल वेस्ट न जाए। तो देखिए चलते हैं किसमें लगा। तो फ्रेंड ऐसे सबके घर में ऐसे कर्टन होते हैं जिसमें क्या होता है, लॉक करने वाला नहीं होता, और अगर हमें कभी कभी बंद करना होता है तो इसमें जब लॉक लगाने वाला ही नहीं है तो हम कैसे इसमें लॉक लगाएंगे। तो क्या करना है आपको, जो हमने ये कट बोतल का कट निकाला था ना, आपके पास बहुत कलर वाइज बोतल भी आते हैं, लाल पीली हरी नीली, बहुत सारे कलर की बोतलें आती हैं, अगर आप इसको चाहो तो डेकोरेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आप लोग को क्या करना है, बस ये कर्टन को अच्छे से अपने हाथ की सहायता से ऐसे कर लेना है, अच्छे से रोल करके उसके बाद में आपके जो बोतल कट किए थे ना ऐसे लगा देना है, जिससे आपके पर्दे अच्छे से लॉक हो जाएंगे, बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं। जो टाइट वाले बोतलें होती हैं उससे तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे। मैंने तो ये एक नॉर्मली बोतल यूज किया था, पानी वाली जो बोतल होती है, लेकिन आप लोग जो पेप्सी की बोतल आती है कोल्ड ड्रिंक की, उसको काट के जब करोगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से टिक जाएगा। आप अपने घर में ऐसे ही सारे पर्दों में बोतल को काट काट के ऐसे अच्छे से लॉक बना सकते हो, जिससे आपका ना तो फालतू खर्चा होगा और ना तो कुछ आपके वेस्ट चीजें भी यूज हो जाएंगी। तो है ना बहुत ही अच्छी टिप्स, आप लोग भी अपने घर में ऐसे लॉक बना के यूज करिए, जिससे देखने में भी सुंदर रहेगा आपका कर्टन और आपका जो वेस्ट बोतलें थी वो भी यूज हो जाएंगे। तो है ना बहुत ही अच्छी टिप्स, आई होप आप लोग को भी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। आती है हमारी इस तरह के झाड़ू को लेके, झाड़ू में हम बेलन को क्यों लगाएंगे, ये वाली टिप सबसे खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब कभी भी नई झाड़ू लेके आए तो ये वाली टिप्स जरूर से यूज कर लें, तब कि आपके झाड़ू खराब भी नहीं होंगे जल्दी और आसानी से आपका काम भी हो जाएगा। तो क्या करना है, देखिए झाड़ू लेके आने से पहले आपको पैनी से बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो देखिए हमने ये झाड़ू लेके आई थी, झाड़ू लाने से पहले पूजा करी जाती है, तो मैंने देखिए इसमें पूजा करके इसमें कलेवे को बांध दिया, उसके बाद मैंने फिर से इसको झाड़ू इसी में डाल दिया। तो क्योंकि किस लिए डाला है, क्योंकि अगर ये वाला काम कर लेंगे ना तो हमारा झाड़ू बहुत ही आसानी से काम आसान हो जाएगा। तो क्या करना है आप लोगों को, जब झाड़ू लेके आते हैं तो झाड़ू में ऐसे चीजें होती हैं कि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हमारे जो झाड़ू के अंदर झाड़ू के ये होते हैं ना, बार बार कितना भी हम कर लेना ये निकल निकल के हमारे ये गिरते रहते हैं, जिससे हमारे घर में गंदगी, जितना तो झाड़ू लगाते हैं उससे ज्यादा तो गंदगी फैलती रहती है और इससे आपका घर साफ होने के बजाय और गंदा होता रहता है। तो क्या करना है आपको, जब कभी भी आप झाड़ू लेके आओ तो बिल्कुल पन्नी से निकालो नहीं, उसके पहले आपको ये काम कर लेना है। आपको ले लेना है बेलन और जैसे आप रोटियां बनाते हो ना उसी की तरह से आपको बेलन की सहायता से इसको बेलना है। तो देखिए झाड़ू को पहले ऐसे ऐसे बेल लेना है, अच्छे से बेलना है, ताकि जितना भी इसके अंदर झाड़ू के लगा हुआ है ना वो आराम से निकल जाएगा और बार बार आपका झाड़ू जो है ना वो गंदा नहीं होगा। झाड़ू लगाओगे तो आराम से आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम कितना भी इसको साफ करते हैं वो हमारा झाड़ू जो होता है ना दोनों साइडों से पलट पलट के आपको अच्छे से रोटी की तरह, जैसे आप रोटी बेलते हो ना वैसे बेल लेना है। और पन्नी में तो दिख जाता है इस साइड से कि किस साइड में हमारा ये पकड़ने वाला है, किस साइड से हमारा ये फूल है। तो बस आपको बेलन की सहायता से जैसे आप रोटियां बनाते हो ना वैसे अपने झाड़ू पे अच्छे से बेल लेना है, जितनी भी इसके अंदर एक्स्ट्रा फूल लगे होंगे वो अच्छे से बेलन की सहायता से निकल जाएंगे और बिल्कुल भी आपके जब झाड़ू लगाओगे ना तो डस्ट नहीं फैलेगी, आसानी से आपके झाड़ू के जितने भी एक्स्ट्रा फूल होते हैं वो निकल जाते हैं और आपका काम बेहद आसान हो जाता है। तो आप जब कभी भी आप नया झाड़ू लेके आए तो ये वाला टिप जरूर यूज कर ले, ताकि आपके झाड़ू से गंदगी नहीं फैलेगी और आपका झाड़ू एकदम सुरक्षित रहेगा। तो है ना बहुत ही अच्छी, देखिए हमने बेलन की सहायता से जितना भी इसके अंदर फूल था वो मैंने निकाल लिया है, और उसके बाद इसके जो फूल निकलते हैं उसको हमें किस चीज में यूज करना है, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं बताऊंगी। क्योंकि इसका जितना ज्यादा झाड़ू हमारा काम करता है ना उससे ज्यादा जो ये हमारा अंदर का फूल होता है वो बहुत ही अच्छे से काम कर सकता है। तो देखिए हमने अच्छे से निकाल लिया, कितना ज्यादा इसके अंदर एक्स्ट्रा फूल जो लगे हुए थे वो निकले हैं, और इसको अब हम किस चीज में यूज करेंगे मैं वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए अच्छे से मैं निकाल लेती हूँ इसको, अच्छे से एक कोई कागज में मैंने रख लिया है। तो देखिए इसको अच्छे से बटोर के एक कागज में रख लेती हूँ, उसके बाद आपके घर में प्लांट वगैरह जो लगे रहते हैं उसमें डाल दीजिए, आपके प्लांट ना बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे और आपका पौधा ना बहुत अच्छे से चलेगा। है ना बहुत अच्छे टिप्स, ऐसे थे हमारे कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड एप्स जिसे आप यूज करके अपने डेली के कामों को बेहद आसान बनाए। तो मेरी कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना,
और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मेरे साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि ये वाले टिप्स उन तक भी पहुंचे और वो लोग भी इस टिप को यूज कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टिप्स एंड हैक्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। सभी को राम राम, अपना ख्याल रखना।